हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रवि रोजी में। दोस्तों, हम प्रश्नावली 2.1 कक्षा 10 की है और नाम है बहुपद। इसको हम हल करने वाले हैं और इसमें हम देखेंगे कि पहला प्रश्न है इसका कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स दे रखा, उसका ग्राफ आपको नीचे मिलेगा अभी। तो इसमें ग्राफ दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में आपको पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि इसके अंदर कितने शून्यक हैं वो आपको बताने हैं। काफ़ी सरल मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। देखिए, इसमें पहला सवाल देखेंगे आप तो इसमें ये बताना है कि जो ये एक्स अक्ष है, ये वाला एक्स अक्ष है, तो इस पर ग्राफ कहाँ कहाँ कट रहा है या कितनी बार कट रहा है। तो जैसे पहला देखेंगे तो यहाँ पी एक्स का मान जीरो होगा, शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एक्स पर कोई भी ग्राफ कट नहीं रहा, इस प्रकार से कोई कटा नहीं है, तो इसका मान क्या है, जीरो लिख देंगे। फिर दूसरे वाले का देखेंगे तो इसमें एक्स अक्ष पर कितनी बार कटा है, ये एक बार कटा है, तो यानी कि इसके लिए इसका मान क्या हो गया, एक हो गया। पी एक्स का मान क्या हो गया, एक। फिर अगला देखेंगे, यहाँ पर आप गिनेंगे तो एक, दो और तीन, तीन जगह कटा है, तो इसका मतलब पी एक्स का मान यहाँ पर तीन है। और इसके लिए देखेंगे तो ये दो जगह, दो इस एक्स को, एक्स एक्स को दो जगह पर काटा है, इसलिए इसका मान दो होगा। इसी प्रकार से इसको गिन लेंगे तो पाँचवें वाले को, इसमें एक, दो, तीन, चार, टोटल चार जगह पर इसने काटा है, तो चार जगह के लिए इसका मान चार हो जाएगा। यानी कि आपको पी एक्स की वैल्यू बतानी है, यानी कि एक्स एक्स पर ग्राफ कितनी बार काट रहा है। नेक्स्ट देखेंगे छठा सवाल, तो इसमें देखो यहाँ पर एक जगह तो इसने पूरा काटा है, तो एक एक मान होगा, लेकिन यहाँ पर खाली टच ही हुआ है, यहाँ पर पूरा काट नहीं रहा है। मतलब आप ध्यान से देखेंगे अगर इसको, तो ये लाइन है और इसको खाली टच कर रहा है, जो टच करेगा उसको नहीं लिखना, जो पूरा क्रॉस करेगा इस प्रकार से उसको आप मानेंगे, तो इसके लिए एक्स एक्स का मान खाली एक होगा। इस प्रकार आपने जाना कि इसके लिए एक्स का मान जीरो है, इसके लिए एक, फिर इसके लिए तीन, दो, चार और इसका एक हो गया, यानी कि आप पूरा सवाल आपने कर लिया है, एक्स एक्स के लिए मान निकालिए आपने। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और समझ में नहीं भी आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि मैं उसको और ईजी तरीके से बता सकूँ। इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करें, और वीडियो पसंद आ गई तो लाइक करें। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।